तो मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ फिर से आपके YouTube चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पर सबसे तेज अपडेट दिया जाता है, कोई वैकेंसी, कोई एग्जाम डेट हो, कोई एडमिट कार्ड हो, कोई कट ऑफ एनालिसिस हो या और भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, सबसे तेज अपडेट दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो। बात कर रहे हैं DSSB जूनियर क्लर्क के 13/20 के बारे में। इसका एग्ज़ाम जो है कल का स्टार्ट हो चुका है। जैसा आप लोगों को भी पता है कि कल पहला दिन का शिफ्ट था, 9 तारीख को 3 शिफ्ट कल के हो चुके हैं, कल के 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आज एग्ज़ाम नहीं है और कल से एग्ज़ाम फिर से है, कल एग्ज़ाम फिर से 11 से एग्ज़ाम है, 11 से 17 के बीच में जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत सारे क्वेरी आ रही है कि क्या करें, कैसा पेपर आ रहा है। देखिए मॉडरेट इजी दोनों टाइप का आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है और मॉडरेट से थोड़ा सा भी कुछ क्वेश्चन। देखिए 40 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन आपके थोड़े डिफ़िकल्ट भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है। अगर 40 में 40 अगर इजी दे दे, 40 में 40 इजी दे दे तो कट ऑफ आपका 175-170 चला जाएगा। जैसा कि आप अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो DTPLSB कलर की जो वैकेंसी आई थी लोअर डिवीज़न कलर की LDC की 2017 में, उसके कट ऑफ को देखिए, जनरल का कट ऑफ हमारे देख सकते 180+ है। तो एकदम इजी पेपर आएगा तो इसका मतलब कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तो कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है तो एकदम इजी का एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, इजी का एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। आपको क्वेश्चन 5-6 डिफ़िकल्ट मिलेंगे, या मैथ में हो या रीजनिंग में थोड़ा कैलकुलेटिव मिलेंगे, इंग्लिश में कुछ वो कैप्स या और भी सेक्शन थोड़े से टफ मिलेंगे, PQRS होंगे, और हिंदी तो कुछ तो ठीक ही है जिनको पढ़ते हैं, GK में कुछ टफ कर सकता है, करंट पुराना दे सकता है, लेकिन जून जुलाई ऐसे करके दे दे। लेकिन अभी से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपको इस समय करंट कोई बोल दे, कोई चैनल वाला बोल दे कि करंट आ रहे हैं कि 2020 के आ रहे हैं, तो कभी भी आ रहे हैं, तो अभी आपसे कुछ कर नहीं पाएंगे ना। इस टाइम से यही कर सकते हैं रीजनिंग मैथ, ये जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, कौन कौन से, एक तो रीजनिंग और एक मैथ्स, दो ऐसे चीज़ें हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसा कि हमने 2021 का पेपर भी हमने शेयर किया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। अगर आपको भी पेपर चाहिए तो 6392-7184-94 पर मैसेज कीजिए, 2021 के पैटर्न के पेपर आप ले सकते हैं। पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल घबराएं मत, क्योंकि संतुलन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर आपके 32-34 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में हैं, 40 के चक्कर में ना पड़िए। 1 में 17-18 का भी एवरेज आ रहा है तो आपको बिल्कुल सही है। सेम टू सेम मैथ में भी करेंगे तो मैथ में भी आपका उतना ही अगर एवरेज आ रहा है 32 से 34 या 35 के बीच में, तो आप बिल्कुल भी सेफ हैं। दो सेक्शन है 20-20 का, अगर आप दोनों सेक्शन को बना के चल रहे हैं फिर भी सेफ है। पेपर चाहिए तो मैंने आपका नंबर बोल दिया, 6392-7184-94 एक बार लिख दे रहे हैं, 6392-7184-94 पेपर लीजिए, सॉल्व कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री में कोई चीज़ नहीं ली जाती है, आपको ही पता है, तो मेरे लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मैथ होगा, GK का पोर्शन हार्ड भी आ रहा है तो दोनों मिला के आप 20 क्वेश्चन या 18 से 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं GK में, फिर भी ठीक है। इंग्लिश में आप 30 से 35 कर रहे हैं, वो 30 से 32 कर रहे हैं, वो भी ठीक है, और सेम टू सेम हिंदी में भी आप 30 से 32 कर रहे हैं तो वो भी ठीक माना जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं ताकि आपका कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाए, ठीक है। कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे, आंसर की कब आएगी, पहले पेपर तो हो जाएंगे तो उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होप करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।